साथियों हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और इसी के साथ में आज की जो अपनी क्लास है वो शुरू होती है। और आज का जो क्लास का हमारे विषय रहेगा वो रहेगा साइबर सुरक्षा के अंतर्गत ही साइबर अपराध। देखिए कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ समझने के लिए, चाहे कैसे भी हो किसी भी रूप के अंदर बताओ उसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए कि पहले जिस समय विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी तो उस समय थोड़े अपराध होते थे और कम होते थे और लोगों को पता नहीं चलता था अपराध होते थे उस समय, और उसकी जो जानकारी इकट्ठा करने के अंतर्गत लगभग काफ़ी समय लग जाता था, और अगर उसके ऊपर रिसर्च भी कर देते तो काफ़ी समय लग जाता था। तो जैसे जैसे विज्ञान ने और टेक्निकल ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत रिसर्च के अंतर्गत और आगे आगे भाग लिया, और जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि भाई विज्ञान जैसे जैसे प्रगति करता चले पता चलता गया तो सभी को ये भी लगने लगा कि वास्तविकता में के रूप के अंतर्गत कोई ना कोई चीज़ के अंतर्गत विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आगे जा रही है, तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं रूप से उसको अपराध भी बढ़ने लगे। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अगर इस देश के अंतर्गत जब एक कहावत भी है, आपको पता होगा कि ताले से पहले चाबी बन जाती है, एक कहावत भी होगी आपको पता है कि ताले से पहले क्या बन जाती है, चाबी बन जाती है। तो उसी रूप के अंतर्गत जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो उससे पहले जो है उसके लिए कोई ना कोई आ ही जाते हैं। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी जो 21वीं सदी के लिए किसी न किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें विकास की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। जैसे कि हर चीज़ के अपने कुछ न कुछ अगर फ़ायदे हैं तो कोई ना कोई नुकसान है, तो अगर किसी चीज़ के अगर अपन को नुकसान हो रहा है तो उसका अगर आने वाले समय में फ़ायदा भी है ये भी देखते नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत ये है। तो एक पहले पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बेसिक रूप से ही समझाऊंगा। दूसरा है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सिर्फ बड़ी चिंता का कारण बन जाता है और व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण भी बनता है, और राष्ट्रों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक तथा सामरिक स्थिति को भी गंभीर खतरे में स्थिति में डाल सकता है। और कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करने करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना और जो हैक है अपने अधीन ले लेना और उसको आंकड़ों को चुराना और सबके सामने करना आंकड़ों को चुराना, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि रक्षा के हो गए, एयरफोर्स के हो गए, पुलिस के हो गए। दो से तीन टॉपिक रहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना और फिर उसमें अपने व्यवसायिक या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना साइबर अपराध कहलाता है। तो यही है आपके साइबर अपराध। देखिए कि साइबर क्राइम अगर कोई आपको पूछ रहा है तो उसमें क्या है, अपन उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभी साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम अर्थात साइबर अपराध क्या होता है उसके बारे में तो देखते हैं एक परिभाषा के रूप के अंतर्गत कि कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना और फिर अपने व्यावसायिक या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना और उसके खिलाफ रणनीति तैयार करना ही साइबर अपराध कहलाता है। तो ये है आपके सामने कि साइबर क्राइम की क्या परिभाषा है, एक बिल्कुल बेसिक रूप के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी इसमें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बारे में समझना चाहिए। पहला आता है आपके इसी के अंतर्गत नुकसान। देखिए नुकसान, देखिए अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसके फायदे भी अनेक होते हैं और नुकसान भी अनेक होते हैं। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
तो ठीक उसी प्रकार से वो पंक्ति यहाँ पर चरित्रार्थ होती हुई सामने दिखती है। देखिए हैक से तात्पर्य कि व्यक्ति जब भी डाटा अपने सिस्टम के अंतर्गत रखता है तो बहुत सारे हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं उन आंकड़ों को अपने पास ले लेते हैं, मतलब चुरा लेते हैं। जैसे कि डिफेंस के अंतर्गत है, एयरफोर्स के अंतर्गत है, बीएसएफ के अंतर्गत, क्योंकि ये जो भारत की अग्रणी श्रेणियों के अंतर्गत कार्य करने वाले जो रक्षार्थ के हित के अंतर्गत है या फिर जो सैनिकों से लैसबद्ध होती है या हथियारबद्ध होती है, तो ये जो इनका कार्य होता है कि हमारी रक्षा करना, जो भी बाउंड्रीज की ओर होती है उनकी काम होता है कि हमारी रक्षा करना, तो हमेशा हैकर्स होते हैं तो उनको हैक करने की भी कोशिश करते हैं ताकि इनके जो भी रक्षार्थ करने वाले जो सैनिक होते हैं उनके घरवालों की जो डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, फिर वो उनको जो है ब्लैकमेल करते हैं या फिर उनको जो है अपने दिन लेकर के जो गलत कार्य करवाने का कोशिश करते हैं। तो वो सारा का सारा जो होता है उसके सिस्टम के अंतर्गत होता है, क्योंकि जो सैनिकों का जो डाटा होता है वो इनके अधीन ही रहता है और उनको हमेशा रखना इनकी जो है सबसे बड़ी प्राइवेसी होती है, और हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि इनसे जो है अपने नुकसान होने से बचा सके। फिर आता है अपने कि साइबर स्पेस में ऐसी कोई भी गतिविधियाँ जो एकदम मानवीय सभ्यताओं का अपमान कर सकती है अथवा सूचना के जरिए सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। देखिए किसी कंप्यूटर सिस्टम के ईमेल्स, उसकी प्रोग्रामिंग, मशीन कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि में बदलाव कर उसे ओरिजिनल फॉर्म में अलग से हैकर सूचनाओं को चुरा लेते हैं। आपने देखा होगा एक मशीनी कोड होता है और उस कोड के माध्यम से आप किसी की जो है डाटा है आपको चुराने के अंतर्गत आसानी होती है। तो उसके लिए बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रोग्रामर होते हैं वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा बैंक अकाउंट के माध्यम से आपके अंतर्गत एक कॉल आता है आपके मोबाइल फ़ोन पर, और उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपका जो है डाटा और कुछ रुपए पैसे वगैरह हैं वो चुरा लेते हैं, और उससे हमेशा बचना चाहिए। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड के नंबर मांग लेते हैं या फिर डेबिट कार्ड के नंबर मांग लेते हैं। घर के अंदर क्या होता है, अपन रख करके जाते हैं, घर का कोई भी सदस्य यही देखता है कि हाँ भाई कोई ना कोई बैंक से ही बोल रहा है और वो उसको गलती से नंबर बता देता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा बैंक बैलेंस होता है वो जीरो रुपए कर देते हैं कुछ समय में, तो हमें ऐसे उससे भी बचना चाहिए। और वेबसाइटों को हैक करने के लिए कई हैकर्स कई तरह के फॉर्मूला अपनाते हैं, और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में लिखी होती है जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसके आधार पर बनाया गया प्रोग्राम काम करता है। हैकर्स इसी प्रोग्राम के बीच में दी गई कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे जंप और इफ आदि स्टेटमेंट को विभिन्न कंडीशनों के द्वारा संतुष्ट कराकर हैकिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था इफ जो कंडीशन लगती है वो HTML के अंतर्गत अपन लगाते हैं, और इसका प्रयोग जो जावा के अंतर्गत अपन करते हैं, और ऐसा करने के बाद में अपन क्या करते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं कुछ फॉलो करते हैं और उसके द्वारा एक कोडिंग तैयार करते हैं और सॉफ्टवेयर तैयार कर देते हैं, और सॉफ्टवेयर तैयार करने के बाद में हैकर जो है उसको शेयर करता है आगे, और उसके अंदर जैसे इंस्टॉल नहीं होता है तो आगे उसकी जो भी इसकी रिपोर्टिंग होता है वो ले लेता है, और कुछ जानकारी होती है वो जोड़ लेता है अपने कंप्यूटर से और उसको जो है हैक कर लेता है जो फिलहाल काम कर रहा हो। IP एड्रेस यूनिक होते हैं, और सामान्य तौर पर कहें हो तो ये पोस्ट ऑफिस के पिन कोड नंबर की तरह होते हैं जिनको अपन को हैक करना बहुत ही आसान होता है। तो हमें इससे जो है इस प्रकार की घटनाओं से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो देखिए आपने आज साइबर अपराध के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, और मुझे अच्छा लगा है कि भाई आपने शुरू से एंड तक आपने हमारा सपोर्ट किया, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले उसके अंदर इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको लगे कि वास्तविकता के रूप के अंतर्गत स्टडी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक जुड़े हुए रहें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अभी इस कोरोना की स्थिति को देखते हुए आप घर से बाहर न निकले, घर पर ही बैठ करके पढ़ाई करें।
और सरकार के जो भी नियम है और जो भी गाइडलाइन है, जो भी दिशा निर्देश है, उनका घर बैठ करके पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और जितना हो सके घर के अंदर रहे, जरूरत पड़ने पर ही केवल घर से बाहर निकले। धन्यवाद। जय हिंद।